दिल्ली में मतदान शांतिपूर्ण हो इसके लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है। किस तरह से दिल्ली पुलिस की तैयारी है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डीसीपी इलेक्शन संजय सहरावत जी हैं। संजय जी, चुनाव को शांतिपूर्ण कराना पुलिस की काफी अहम जिम्मेदारी, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस कितनी तैयार है, किसी तरह का कोई हिंसा ना हो, शांतिपूर्ण लोग अपने मत का इस्तेमाल कर सकें, क्या तैयारी है आप लोगों की? देखिए, दिल्ली पुलिस ने कल होने वाले मतदान के लिए अपनी तैयारी पूर्ण कर ली है। पूरे स्टाफ की ब्रीफिंग कर दी गई है और सारे स्टाफ की नियुक्ति कर दी गई है वहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे। दिल्ली में 2628 पोलिंग स्टेशन है और इसमें से 429 पोलिंग स्टेशन जो हैं क्रिटिकल घोषित किए गए हैं। हमारे पास लगभग 33,000 जवान दिल्ली पुलिस के डायरेक्ट तैनात किए गए हैं पोलिंग स्टेशन पे। साथ ही साथ 51 कंपनियाँ अर्धसैनिक बलों की तैनात की गई हैं। उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान से 70,500 होमगार्ड्स के जवान आए हैं, उनकी तैनाती कर दी गई है। जो बॉर्डर के हमारे नाके हैं उनके ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। साथ ही साथ जो अति संवेदनशील इलाके हैं और पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे ड्रोन से पहली बार हमारी निगरानी की जाएगी। ड्रोन से, चूंकि आपने कहा कि जो संवेदनशील इलाके हैं, क्या वजह है उनको संवेदनशील इलाकों में रखा गया है और क्या वहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स लगाई जाएगी, और किसी तरह की कोई सूचना आती है तो उस पर किस तरह कार्रवाई की जाएगी? देखिए, कोई उसके लिए एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया बनाया गया है संवेदनशील इलाके घोषित करने के लिए, वो आर ओ ऑफिस से ही किए जाते हैं और उसमें पुलिस की भी भागीदारी होती है। उसके आधार पर ही 429 जो पुलिस स्टेशन है उनको अति संवेदनशील घोषित किया गया है। इन पे अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति की जाएगी और साथ ही साथ ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। सीसीटीवी कैमरों का आपने जिक्र किया, क्या सभी जगह सीसीटीवी है और क्या सबकी कंट्रोलिंग एक ही जगह है और किस तरह से कंट्रोलिंग की जाएगी? सारे के सारे सीसीटीवी कैमरे जो बॉर्डर की हमारी पिकेट्स हैं नाके उन पर लगा दिए गए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और जब मतदान खत्म हो जाएगा, ईवीएम सुरक्षित जगह पे पहुंचे, उसके लिए भी कोई खास तैयारी है? ईसीआई की गाइडलाइंस के अनुसार एक प्रोटोकॉल बनाया गया है, उसमें अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस के जवान उनको एस्कॉर्ट करेंगे और उनको स्ट्रांग रूम तक पहुंचाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी है मतदान को शांतिपूर्ण कराने के लिए, अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है, साथ ही साथ दूसरे राज्य से होमगार्ड भी बुलाए गए हैं। पहली बार दिल्ली में चुनाव की निगरानी ड्रोन से की जाएगी, यानी कि ड्रोन कैमरा जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पे पूरी तरह से नजर भी रखेगा। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।